दोस्तों, आपने अक्सर एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा कि डर के आगे जीत है, स्प्राइट पीते चलो और आगे बढ़ते चलो। लेकिन ये रियल लाइफ में नहीं होता। ये सब चीज़ें तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में ही अच्छी लगती हैं। असली जीवन में तो डर को हराने के लिए हिम्मत को बढ़ाना पड़ता है। जब हम अपनी हिम्मत को बढ़ाते हैं तभी तो डर कम होता है। चलिए, इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी दो दोस्तों की है। उसमें से एक दोस्त का नाम रमेश है और दूसरे का नाम सुरेश। ये दोनों दोस्त एक छोटे से गांव में रहते थे और एक शहर में गए थे किसी काम के लिए और शहर से वापस लौट रहे थे। अब शहर से वापस गांव जाने के लिए इन्हें एक घने जंगल को पार करना पड़ता था। दोनों दोस्त चल चल कर थक गए थे, इसलिए उन दोनों ने सोचा कि क्यों ना एक पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम कर लिया जाए, उसके बाद हम वापस से चल पड़ेंगे। वो आराम करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि आराम करते करते अंधेरा हो जाता है। तो एक दोस्त उनमें से कहता है कि हम एक काम करते हैं, रात यही गुफा में गुजार लेते हैं, क्योंकि रात में यहाँ जंगल में घूमना थोड़ा ठीक नहीं होगा, सुबह फिर वापस गांव के लिए निकल जाएंगे। तो वो दोनों दोस्त ऐसा ही करते हैं। पास में उन्हें गुफा नज़र आ जाती है और वो दोनों कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं और वो लेकर गुफा में चले जाते हैं। उन लकड़ियों से वो आग जलाते हैं और आग के पास बैठ जाते हैं। अब उनमें से जो एक दोस्त होता है जिसका नाम रमेश है, वो बहुत डरता था। उसने बहुत सारी बातें सुन रखी थी कि भूत प्रेत रात को जंगलों में घूमते हैं, आत्माएं घूमती हैं, वो इंसानों को खा जाती हैं, उन्हें डराती हैं, उनके साथ बुरा करती हैं, और वो बहुत डर रहा होता है अंदर से। फिर वो अपने दूसरे दोस्त सुरेश से कहता है कि मुझे बहुत डर लग रहा है। तो सुरेश रमेश से कहता है कि डरो मत दोस्त, हिम्मत रखो, ऐसा कुछ नहीं होता है, लेट जाओ और मुझे भी लेटने दो। तो बेचारा रमेश क्या करता, वो लेट तो जाता है लेकिन उससे बहुत डर लग रहा होता है। लेकिन क्योंकि वो थका था इसलिए थोड़ी देर बाद उसे नींद आ जाती है। लेकिन नींद में उसे एक सपना आता है, जिस सपने में वो देखता है कि एक काली परछाई उसकी तरफ आगे बढ़ रही है और धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। उसका हाथ और भी बढ़ता जा रहा है और वो उसे खाने के लिए आगे बढ़ रही है, बढ़ रही है, और एकदम से डरते हुए उसकी नींद खुल जाती है। और वो साथ ही अपने दोस्त सुरेश को जगाता है और इससे बोलता है कि मुझे बहुत बुरा सपना आया, मैं बहुत डर रहा हूँ, पक्का इस जंगल में कोई ना कोई आत्मा या भूत प्रेत तो घूम ही रहा होगा। तो सुरेश उससे कहता है, डरो मत, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, जब भी अब तुम्हें डर लगे, सपने में कोई भी भूत प्रेत दिखे, तो ये बात अपने आप से कहना, तुम्हें डर नहीं लगेगा। वो कहता है, अब जब भी तुम्हारे सपने में भूत आए तो कहना मैं हिम्मत वाला इंसान हूँ, हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, मुझसे लड़कर दिखाओ। रमेश मान जाता है और अगली बार वो ऐसे ही करता है। जब भी उसे डर लगता है, उसे लगता है कि कोई उसके पास आ रहा है, हलचल हो रही है, आवाज़ें आ रही हैं, तो वो यही बार बार बोलता है अपने आप से कि मैं हिम्मत वाला हूँ, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, मैं हिम्मत वाला हूँ, मैं तुमसे डरूंगा नहीं। और वो देखता है कि उसे डर लगना बंद हो जाता है, वो परछाई जो उसे लग रहा था धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, उसकी तरफ आगे बढ़ रही है, वो अब छोटी हो रही है, उसे डर नहीं लग रहा, उसे आसपास की वो आवाज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और वो अगली सुबह उठकर अपने दोस्त सुरेश से कहता है कि तुम्हारी बात सही हुई दोस्त, तुमने जो बताया था वो कहने के बाद मुझे डर लगना बंद हो गया, अब मुझे डर नहीं लग रहा था। फिर उसका दोस्त सुरेश उसे समझाता है कि मैं यही तो तुमसे कहना चाह रहा था कि हिम्मत रखो, डरो मत, क्योंकि डर के आगे जीत है। जब हम अपने डर से डरने लगते हैं तो हमारा डर और बड़ा हो जाता है और हम कमज़ोर पड़ने लगते हैं, अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते। लेकिन जब हम डर को हरा देते हैं तो हमारा डर छोटा हो जाता है और हम बड़े हो जाते हैं, हमारी हिम्मत बड़ी हो जाती है और हम अपने जीवन में सफल होने लगते हैं। यही मैं तुमसे कहना चाह रहा था, इसलिए मैंने तुमसे वो कहने को कहा था कि मैं हिम्मत वाला हूँ, मैं हिम्मत वाला हूँ, मैं तुमसे डरूंगा नहीं। क्योंकि जब तुमने ये कहा तो तुम्हारी हिम्मत और बढ़ने लगी, तुम्हारा डर कम होने लगा। दोस्तों, अब तो आप सब समझ ही गए होंगे कि मैं इस कहानी से आपको क्या बताना चाह रही थी, कि हमें अपने जीवन में कभी भी डरना नहीं चाहिए, अपने डर को खुद से छोटा और अपनी हिम्मत को उस डर से हमेशा बड़ा रखना चाहिए। नहीं तो आप हमेशा डरते रह जाएंगे और आपका वो डर आपको अपनी ज़िंदगी में कभी सफल नहीं होने देगा। और अगर आप अपनी हिम्मत को बढ़ा लेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आता है जो आपको सफल होने में पूरी मदद करता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।